चेयरमैन नैब पता नहीं किस दुनिया में, वो कहाँ किस दुनिया में ये नैब चला रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। और अगर वो सोच रहे हैं कि कोई आके उनको कंप्लेन करेगा नैब के बारे में, तो उनकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। आपको आइडिया नहीं है कि कितने बिजनेसमैन आउटसाइड नैब के लोगों के साथ सेटलमेंट कर लेते हैं। ये तो ऐसे फजूल बातें हैं। और नैब चेयरमैन को अभी ज़रा ये बजट ख़त्म हो जाए, मेरे पास जितनी कंप्लेंस आई हुई हैं मैं उनको भेजूंगा। और लवाई साहब की केस ले लें आप, 80-year-old मैन रॉटेड इन जेल फॉर 2 years विदाउट एनी चार्ज, और एवेंचुअली यही हुआ कि कोर्ट ने बेल दी और वो आदमी रिलीज हुआ। तो ये बातें करने से क्या होता है? और अगर वो ये समझते हैं कि उनकी बातें करने से हालात ठीक हो जाएंगे, नैब के जो अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आने हैं वो रुक जाएगा, और गवर्नमेंट के लोग जो आज बात कर रहे हैं, मैं नहीं बात कर रहा क्योंकि मुझे तो वो कहते हैं जी आप पे तो नैब का रेफरेंस है इसलिए आप बातें करते हैं। फेडरेशन ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स के लड़ ने लेटर लिखा है, आपके असद उमर साहब ने जो बातें की हैं, शौकत तरीन साहब ने जो बातें की हैं, असद उमर के ऊपर तो कोई नैब का केस नहीं है, बट सारे लोग उसके पास जाते हैं बताते हैं, ना ब्यूरोक्रेसी कोई काम करने के लिए तैयार है, ना बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, और अगर करता भी है तो रात को दुआ पड़ता है कि यार मुझे कोई नैब से नोटिस ना आ जाए। तो ये देखें, दे हैव टू बी एक्सक्लूडेड आउट ऑफ प्राइवेट बिजनेस। नैब के चेयरमैन कहने से कुछ नहीं होता, उसके बस में नहीं है। मैं आई फील पिटी ऑन हिम कि जी वो तो कहते हैं कि जी हम मुझे बताएं, मगर वो कर क्या सकते हैं। इतने बिजनेसमैनों का इशू मैंने रिजॉल्व किया, इतनी इंक्वायरियां मैंने बिजनेसमैनों की बंद की। पहले इन्होंने एक चेंबर की कमेटी बनाई थी, वो भी आज जिसको कहते हैं जीरो हो चुकी है फेडरेशन ऑफ कॉमर्स में। और उसमें हमने कहा था कि बिजनेसमैन का जो भी कंप्लेन आएगी, जो भी केस आपके पास आएगा, चाहे गलत है या सही है, वो आप उस कमेटी को भेजेंगे। पूछें आप फेडरेशन से कि कितने केसेस रेफर किए हैं नैब ने, कोई केसेस नहीं किए। और सोसाइटियों की तो तबाही है, सोसाइटियाँ तो हर नैब तकरीबन हर सोसाइटी में घुसी हुई, और इनका काम ही यही है कि सोसाइटियों में घुसना और सोसाइटियों के अंदर जाके वहाँ अपने लोग अपॉइंट करवाना, उन सोसाइटियों को टेक ओवर करना उन लोगों का। और मेरे पास सोसाइटियों के केसेस तो आ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये बजट ख़त्म हो जाए इसके बाद हम इस पर मीटिंग्स भी शुरू करेंगे, इनको चीज़ें भेजेंगे और मीडिया में बताएंगे कि ये चीज़ें हमने नैब चेयरमैन को भेजी हैं, और फिर मैं देखूंगा कि उन्होंने क्या किया है। अगर उन्होंने किया है तो हम उनको अप्रिशिएट करेंगे, अगर नहीं किया तो वी विल क्रिटिसाइज हिम। जो आदमी क्रिटिसिज्म से डरता है वो फिर इसका मतलब कि ही हैज़ एन इशू विद हिमसेल्फ। तो ये कोई बात नहीं है कि जी मसला ही कोई नहीं है पाकिस्तान में। अगर मसला नहीं है तो लोग क्यों शोर मचा रहे हैं, गवर्नमेंट के मिनिस्टर क्यों बोल रहे हैं, अपोजिशन क्यों बोल रही है? तो ये तो गलत बात है। ये अगर आप इस किस्म की बात करेंगे तो इसका मतलब आप अपनी आंखों में धूल झोंकेंगे।